वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज योर टॉपिक इज एक्टिव और पैसिव वॉइस। जो आज का टॉपिक आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस, जो कि क्लास सिक्स, सेवन्थ और एट्थ तीनों क्लासेस में ही क्या रहने वाला है, बिल्कुल से कॉमन रहने वाला है। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले हम एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन देखेंगे कि एक्टिव वॉइस होता क्या है सबसे पहले। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस देखिए बेटा। एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन, वॉइस के अंदर सबसे पहली बात तो ये है, इसमें सब्जेक्ट मेन रहता है। क्या सब्जेक्ट इज मेन, ओके, एंड वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। और यहाँ पे जो हम वर्ब यूज करेंगे वो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग ही आएगी। ये बात आपको सबको अच्छे से समझ में आ गई। एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज मेन, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है एंड वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। और यहाँ पे जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग ही बेटा यूज होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बेटा पैसिव वॉइस की डेफिनेशन। पैसिव वॉइस डेफिनेशन देखिए पैसिव वॉइस की, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस द ऑब्जेक्ट इज मेन, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट मेन होता है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है एंड वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग पर्सन एंड नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, और यहाँ पे जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, ऑब्जेक्ट के पर्सन एंड नंबर के अकॉर्डिंग ही यूज होगी। तो पैसिव वॉइस की डेफिनेशन दोबारा आप ध्यान से सुन लीजिए कि इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है, ओके, एंड वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग पर्सन एंड नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग ही यूज की जाती है। अब देखिए बेटा, किसी भी सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उससे पहले हम कुछ गोल्डन रूल्स देखेंगे कि इनके रूल्स क्या है, जो कि हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इनके कुछ गोल्डन रूल्स है, वो गोल्डन रूल्स देखिए, ये गोल्डन रूल अच्छे से आपको लर्न होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और ये सारा वर्क जो मैं जो भी आपको वर्क करवा रही हूँ, ये सारा आपकी फेयर नोटबुक के अंदर होना चाहिए, इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। फर्स्ट है आपका सब्जेक्ट इज पुट ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। एंड सेकेंड देखिए, ऑब्जेक्ट इज पुट ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट इज पुट ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा एंड ऑब्जेक्ट इज पुट ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। ओके, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। एंड थर्ड रूल देखिए बेटा इसका, ऑलवेज वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आप हमेशा ऑफ द वर्ब, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में कोई भी सेंटेंस को चेंज करेंगे तो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें यूज करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ रूल, रूल नंबर फोर, ऑलवेज
वी यूज बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट. हम हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करेंगे. जो भी हम एक्टिव से पैसिव में किसी भी सेंटेंस को जब चेंज करेंगे तब हमेशा हम ऑब्जेक्ट से पहले किसका यूज करेंगे बेटा, बाय का यूज करेंगे. ओके, ये आपको चारों जो गोल्डन रूल है आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए. दोबारा सुन लीजिए एक बार. सब्जेक्ट इज पुट ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज पुट ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. थर्ड देखिए, ऑलवेज वी यूज बाय, ऑलवेज वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, थर्ड फॉर्म आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है. फोर्थ है, ऑलवेज वी यूज बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा हमें बाय का यूज करना है. ओके स्टूडेंट्स, कैन आई रफ द ब्लैक बोर्ड? ओके, एग्जाम्पल करके बताती हूँ कि आपको कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे सेंटेंस को चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. हरी राइट्स ए लेटर. सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल ले लिया. ओके, हरी राइट्स ए लेटर. ओके, तो देखिए बेटा, हरी क्या है इसमें? सब्जेक्ट. क्या है हरी? सब्जेक्ट है. राइट्स क्या है? यहाँ पे वर्ब है. ये लेटर क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. ओके, हरी क्या है? सब्जेक्ट है. राइट्स क्या है? वर्ब है. ये लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, हमने जो गोल्डन रूल्स पढ़े थे उसमें हमने क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्ट इज पुट ऑन द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज पुट ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. ये पढ़ा था हमने कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा और सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा. तो देखिए, ऑब्जेक्ट को क्या बनाऊंगी बेटा? मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊंगी. तो सबसे पहले क्या लिखूंगी? ए लेटर. अब देखिए बेटा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा? सबसे पहले इस सेंटेंस में देखिए, ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट सिंपल का है. ओके, प्रेजेंट सिंपल का है. इसमें देखो, राइट के साथ में ई आई एस का यूज हुआ है, तो हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसकी लगानी होगी? इज एम आर. क्या लगानी होगी हेल्पिंग वर्ब हमें? इज एम आर. तो ए लेटर के साथ में क्या आएगा? इज. ए लेटर इज. राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? रिटर्न. क्या होती है? रिटर्न. तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न. ओके, रिटर्न बाय हर. ये सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया? जो भी ऑब्जेक्ट बना है उससे पहले हमने किसका यूज कर दिया है? यहाँ पे बाय का यूज कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? ओके, अब देखिए बेटा, हम कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे मैं सेकंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेती हूँ. रावण राम किल्ड राम. यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है राम किल्ड रावण. ओके, तो देखिए बेटा, राम क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है. किल्ड क्या है? यहाँ पे वर्ब है. रावण क्या है बेटा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. ओके फ्रेंड्स, अब देखिए मैं इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करूंगी. सबसे पहले देखिए, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट. ओके, तो सबसे पहले आया रावण. ओके, रावण आ गया. उसके बाद में आप देखिए, जो रावण है उस ये क्या बन गया बेटा? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट था रावण, ये बन गया सब्जेक्ट. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्ब किल्ड क्या है? वर्ब किल्ड. ये किसका? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. ये कौन सी फॉर्म बेटा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पास्ट टेंस में वॉज वर्ब होती है. क्या होती है? वॉज वर्ब होती है. तो रावण के साथ में क्या आएगा बेटा? वॉज. क्या यूज होगा? वॉज. किल्ड की थर्ड फॉर्म में बेटा किल्ड ही होती है. तो रावण वॉज किल्ड बाय राम. ओके, अब देखिए, राम से पहले मैंने क्या लगा दिया? बाय लगा दिया है. यहाँ पे राम क्या था? सब्जेक्ट था. ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया. ये बात सबको अच्छे से समझ में आ गई? वेरी गुड स्टूडेंट्स. अब देखिए,
अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो देखिए कि आपको कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें क्या मिल जाएगा, एक्टिव के कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ प्रोनाउंस मिलेंगे. क्या मिलेंगे? कुछ प्रोनाउंस मिलेंगे कि आप उन प्रोनाउंस को कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज करोगे, तो कैसे उसे चेंज करोगे वो आप ध्यान से देखिए. इससे कुछ प्रोनाउंस मिल जाएंगे. आई, आई का बेटा किसमें चेंज होगा? मी में, ठीक है. आई, वी, ही, शी, आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये क्या मिल जाएंगे बेटा आपको? प्रोनाउंस मिलेंगे कुछ. तो आप कैसे इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वो देखिए. आई को आप किस में चेंज करेंगे? मी में, ठीक है. वी को किस में चेंज करेंगे आप? अस में. ही को किस में चेंज करोगे? हिम में. शी को किस में चेंज करोगे? हर में. इट का इट ही रहेगा. दे को किस में चेंज करोगे? देम. ओके. और यू का यू रहेगा, नो चेंज. ओके. यू का यू, नो चेंज. यू का यू रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा. ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई. जब भी एक्टिव वॉइस में आपको किसी कोई भी आपको प्रोनाउंस मिलते हैं, ये क्या है बेटा? प्रोनाउंस है. ये सारे आपको क्या मिलेंगे? प्रोनाउंस मिलते हैं, मिलते हैं, तो आप उसे कैसे चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में. आई को कैसे चेंज करेंगे? मी में. बी का अस में. ही का हिम में. शी का हर में. इट का इट. दे का देम. यू का यू. ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई. अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. एग्जांपल है आई कॉल्ड हिम. आई कॉल्ड हिम. तो यहाँ पे आई क्या है बेटा? सब्जेक्ट है. कॉल्ड क्या है? वर्ब है. हिम क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसे हम कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वो आप देख लीजिए. सबसे पहले हिम है, इसको क्या बनाऊंगी मैं? यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊंगी. आई है, ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा. ओके. तो हिम है, तो हिम को हम किस में चेंज कर सकते हैं? ही में चेंज कर सकते हैं. कर सकते हैं ना. तो हिम को मैंने किस में चेंज कर दिया? ही में. इसमें चेंज कर दिया ही में. तो यहाँ पे देखिए कॉल्ड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. सेकेंड फॉर्म है वर्ब की. तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग क्या यूज होगी? हेल्पिंग वर्ब वॉज. ही सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या यूज होगी? वॉज. कॉल की थर्ड फॉर्म भी बेटा क्या होती है? कॉल्ड ही होती है, तो कॉल्ड. ओके. ही वॉज कॉल्ड बाय मी. आई का मैंने किस में चेंज कर दिया बेटा? मी में चेंज कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई. कि दोबारा सुन लीजिए, आई कॉल्ड हिम. आई क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है. कॉल्ड क्या है? वर्ब है. हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो देखिए हिम को मैंने किस में चेंज किया है? ही में. ओके. ही वॉज कॉल्ड बाय मी. ओके स्टूडेंट्स, आई का किस में चेंज हो गया? मी में चेंज हो गया.